जय हिंद भाइयों, आज अपने बात करने वाले हैं आटा चक्की में। बारिश के मौसम में बार बार टंकाई आती है उसका। ये अपने एक भाई थे रजा खान करके नाम है उनका। उनका कल कमेंट बॉक्स में मैसेज आया था कि हर 4 दिन में टंकाई करनी पड़ रही है और परेशान हो जाता हूँ। तो क्या है कि ये बारिश के मौसम में क्या सबको तकलीफ तो रहती है, और उसमें क्या है कि आप सोचते हैं कि बार बार टंकाई आ रही है, जिससे आप क्या मान लो बारिश में ज़्यादा नाली गहरी कर देंगे तो भी आपको तकलीफ हो, गहरी करेंगे आप तो फिर उस अंदर से दाना आने लग जाएगा या फिर आटा बारीक नहीं आएगा। और उसमें क्या है, बारिश के मौसम में ज़्यादा टंकाई आने का भी मैं आपको आज कारण बता देता हूँ। क्योंकि बारिश के मौसम में अमूतन ग्राहक 100 में से 30% ग्राहक तो गेहूँ गीले ही लेके आते हैं। किसको नमी चढ़ी होती है तो क्या वो आटा जाके यहाँ पे नाली में यहीं पे ग्राहक देख लो, अभी गेहूँ लेके आए 5-6 किलो होंगे, पूरा गीला ही है अभी दिख रहा है आपको। ऐसा सूखा कपड़ा हाथ लगाएंगे तो इसको आप मालूम चल जाएगा गेहूँ में पूरी नमी चढ़ी हुई है। और ये गेहूँ जैसे ही अपन गेहूँ वाली चक्की में डालेंगे और पत्थर में पूरा चिपक जाता है। इसके लिए अपने को अभी ये मकई वाली ये चक्की में अपने इसको पीसेंगे, जिसमें क्या मकई के साथ में वापस से निकल भी जाए, चिपक जाता है। यहाँ पे आटा चिपकने के बाद आपकी आटे की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी और टंकाई फटाफट फटाफट आती है। मैं ज़्यादातर ग्राहक के गेहूँ देख के ही लेता हूँ। उस ग्राहक क्या है कि पूरा गेहूँ खरीद के लेते हैं, फिर उसको बाहर रखते हैं, ना उनके पास कोई सुविधा होती है अंदर डब्बे में रखने की किसके, जैसे क्या है कि वो ज़मीन पर ही रख देते हैं। ऐसा नहीं उसको सेफ्टी से नीचे रखते, कुछ नहीं, उसको पूरा ही भेद लग जाता है गेहूँ को, और जिसके बाद वो लेके आ जाते हैं और यहाँ आके ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि हद से बाहर। बोलो घर आके बोलता है कोई खाने के लिए नहीं है, अभी पीस दो। अरे अभी उसका मान लो आपने पीस भी दिया तो पीस उसका पीसे ही करने के बाद उसका काम हो गया, जिसके बाद में आप जिस भी कोई भी घर की टंग पीसे करोगे सबका आटा ख़राब होने वाला ही है। इससे पहली ही राय तो ये कि मान लो आप सोचते हैं कि मान लो कोई ग्राहक 10 किलो 20 किलो गेहूँ लेके आए, 100 पीसे ही कर लेते हैं, 50 रुपये आ रहा है, वाह ये बात ख़त्म। पर वो एक 50 रुपये के लिए आपकी पीछे जितनी भी पीसे होगी वो सब ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो आपने जैसे ही गीला गेहूँ लिया तो वो यहाँ चिपक जाएगा नाली में या पटे पेटे पंच पूरा चिपक जाएगा, पूरा चिकना चिकना हो जाएगा। चिकना होने के बाद में आप दूसरे किसी भी ग्राहक की पीसे करो, वो पहले अच्छा गेहूँ लेके आएगा ना तो भी उसकी आटे की क्वालिटी ख़राब ही होगी। इसके लिए हमेशा ध्यान रखें, बारिश के मौसम में पहले तो ग्राहक का गेहूँ अंदर कट्टा लेके आए, डब्बा लेके आए, तो उसमें हाथ डाल के देख लेंगे भाई ये गेहूँ सूखा है या नहीं है, क्योंकि आप सोचते हैं कि वाह मैं ले लेता हूँ, पर लेने के बाद में बहुत तकलीफ होती है। और अभी क्या है कि नाली बनाते टाइम ही बारिश के टाइम में आप गहरी बना रहे हो तो अंदर से थोड़ा हल्का ये पेठे वाला भाग थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो और बाहर वाला थोड़ा कम। और अभी अपने एक दूसरी तकलीफ भी आ रही है, एक भाई का भी मैसेज आया था कि पान पराग गेहूँ बारीक नहीं आ रहा है। इसमें क्या है कि जो अपने कंट्रोल के गेहूँ आते हैं, सरकारी जो गेहूँ आते हैं, ये अपने सरकारी गेहूँ हैं जो कंट्रोल में सब मिलता है, वो आप जैसे तो ऐसा लाल दिखता है तो कान उसका दाना एकदम कड़क आता है। जिस दिन आपने टंकाई की है ना उस दिन तो समझ लो इसको बारीक करना आप भूल ही जाओ, क्योंकि बारीक जिसको ज़्यादा बारीक करने जाएंगे तो तुरंत धुआं निकलने लग जाता है और तुरंत बारीक भी नहीं आता है। दूसरा गेहूँ जैसा लोकवान है, टुकड़ी है, एमपी टुकड़ी, वो सब बारीक आ जाता है, पर ये गेहूँ तो बारीक आने में बहुत टाइम लगता है। इसमें कंट्रोल में दो टाइप आते हैं, दूसरा आता है गेहूँ पंजाब वाला बिल्कुल बारीक आ जाता है, पर ये बारीक आने में बहुत टाइम लगता है। और जिस दिन ये गेहूँ आता है ना तो बहुत परेशानी होता है, क्या है कि एकदम धीरे धीरे ही पीसे करना पड़ता है, थोड़ा भी ज़्यादा गिरेगा तुरंत मोटा आने लग जाएगा। अभी यहाँ पे गुजरात में आधा बाजरी और आधा गेहूँ दे रहे हैं तो इस हिसाब से भी आधा आधा आ रहा है, बाकी तो लोग ज़्यादातर यही लेके आते हैं गेहूँ। उसमें दो क्वालिटी आती है, एक तो छोटा छोटा दाने वाला है और अभी एक जो गेहूँ आ रहा है लाल कलर का बड़ा वाला, बड़ा बड़ा गेहूँ रहता है और वो बारीक भी नहीं आता है। और उसकी तो ये है कि आप जिस दिन आपने टंकाई की और जिस दिन कोई भी वो लाल गेहूँ लेके आएगा उसका बारीक आटा आएगा ही नहीं। टंकाई करने के बाद में समझ लो दूसरे दिन जब भी आए पीसे करते तो वो गेहूँ बारीक आता है, बाकी तो तुरंत वो जो लाल गेहूँ होता है आपने टंकाई की है तो बारीक नहीं आता है।
उसमें क्या है, ज़्यादातर ऐसा कोई ग्राहक जिस दिन टंकी के लेके भी आता है तो मैं उसको भी बोलता हूँ कि कल पिसाएगा, सो उतावल जल्दी नहीं हो तो बोलते हैं कल पिसाएगा, क्योंकि जिस दिन अपन पीसेंगे वो तो आटे की क्वालिटी बैठेगी नहीं, और ज़्यादा प्रेशर देंगे तो फिर आपस आटा जलने की शिकायत भी रहती है। आपको कोई तकलीफ हो रही है तो अपने भाई को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज की अपने ये 16-3 की चक्की है, उसका 16-3 का पत्थर इसकी टंकी कर दिए, बाजरी का पत्थर है और इसकी टंकी कर दिए। 2 दिन पहले आपने गेहूँ वाले पत्थर की टंकी की थी और अभी ये मकई वाले की अपनी तो चल रही है। अभी मकई वाले में अमूदन 10 दिन में टंकी आती है, एक एक पत्थर की टंकी करते हैं अपने, और गेहूँ वाले में 8 दिन में टंकी आ जाती है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो जल्दी जल्दी टंकी करनी पड़ती है। ये बाजरी का पत्थर है जिसकी टंकी 12 या 13 दिन से आई है, और इसमें क्या है बाजरी चलती है। तीनों मैंने अलग अलग सेटअप, एक में गेहूँ, एक में मकई और एक में बाजरी, तो क्या ग्राहक का भी ख़राब नहीं होता है और आटे की क्वालिटी भी सही रहती है। बहुत ग्राहक क्या है कि ऐसी कंप्लेन देते हैं कि गाला कौन सा है गेहूँ में, कौन सा गाला चल रहा है, अभी गेहूँ का चल रहा है, मकई का चल रहा है, बाजरी का चल रहा है। इस हिसाब से तीनों अलग अलग सेटअप कर रखे हैं, जिससे क्या है कि ग्राहक की भी आटे की क्वालिटी सही रहे। और आप मान लो मकई की चक्की में गेहूँ पीस रहे तो वो क्वालिटी नहीं मिलती आपको, और गेहूँ के पत्थर में मकई पीस रहे तो आपको आटे की वो क्वालिटी में नहीं मिलती वापस। इसके लिए मैंने तीनों अलग अलग सेटअप लगा रखे हैं। जय हिंद, कृष्णा द बेस्ट वीडियो।